क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कोतवाली मूर्तिहा के अंतर्गत सहजरामपुरवा निवासी रंगीलाल यादव की जिस तरह से बर्बरतापूर्वक हत्या की गई है और लाठियों से पीट करके उसकी लाश को खेतों में फेंक दिया गया, लेकिन हमारी पुलिस अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पाई और हमारी मांग है कि किसान रंगीलाल के हत्यारों को अविलंब जो है गिरफ्तार किया जाए और मृतक के परिवार को भरण पोषण हेतु 20 लाख रुपया सरकार मुआवजा दे और वहां से संबंधित जो हल्का थाना के जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। अगर मांग पूरी नहीं होगी तो क्या तो हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि किसानों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। अभी हरियाणा में लाठीचार्ज हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान नौजवान पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। नौजवानों, अगर बेरोजगार नौजवानों को अगर पीटने की बात आती है तो सबसे पहले भाजपा की पुलिस खड़ी रहती है, लेकिन अगर किसी किसान की हत्या हो जाती है, किसी यादव की हत्या हो जाती है, किसी मुसलमान की हत्या हो जाती है, किसी ब्राह्मण की हत्या हो जाती है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। ये सबसे बड़ा संकट है।